नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। दिल्ली में किसानों की गर्जना रैली, आज मांगे पूरी नहीं होने से नाराज भारतीय किसान संघ करेगा विरोध प्रदर्शन। देश भर से जुटेंगे किसान। भारतीय किसान संघ BKS अपनी मांगे पूरी नहीं करने के विरोध में सोमवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा। यह संगठन RSS से जुड़ा हुआ है। BKS लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से नाराज है। किसान संगठनों की कुछ मांगे हैं कि सभी कृषि उपज को GST मुक्त किया जाए, PM किसान सम्मान निधि की राशि में खेती की बढ़ी हुई लागत के अनुपात में बढ़ोतरी की जाए, अनाज में सब्सिडी के अलावा DBT के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता दी जाए, सिंचाई और नदी लिंक प्रोजेक्ट्स के लिए भी मदद दी जाए। BKS ने इस उद्देश्य के लिए अधिक पैसे देने करने की मांग की है। BKS कई दिनों से देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने की मांग सहित कई अन्य मांगों को कर रहा है। इनमें ग्रामीण कृषि बाजार ग्राम में 22,000 हाट डेवलप करने की मांग भी शामिल है। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की, कार्ड धारकों को भारतीय खाद्य सुरक्षा FSSAI से प्रमाण पत्र की जरूरत के बिना माइक्रो प्रोसेसिंग फूड यूनिट्स लगाने का लाइसेंस देने की मांग कर रहा है। FSSAI प्रमाण पत्र प्राप्त करना एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। भारतीय किसान संघ का कहना है कि सरकार के पास पहले से ही किसान क्रेडिट कार्ड धारकों का डेटा है, इसके आधार पर ही किसानों को कारोबारी बनने के लिए लाइसेंस दिया जाना चाहिए, इसके लिए अलग से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत ना हो। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।